इसीलिए मशीन के बिल्कुल भी शॉप करने में जाएंगे तो ऑन करेंगे काफ़ी देर दिखा ठीक है। पीछे बटन होता है ऑन ऑफ का ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वेस्ट मैटिक 20 न्यू सिलेक्शन फंक्शन। तो हमें इसमें प्रोसेस करना है ESR ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मेनू बटन दबाएंगे ठीक है। एनालिसिस F1 आ रहा है ठीक है, ओके करेंगे एनालिसिस F1। देन आ रहा है मैनुअल लोडिंग ठीक है, ओके करेंगे मैनुअल लोडिंग पे। मैनुअल लोडिंग आ गया, इसको मांग रहा है दिखाओ पोजीशन 1 डिप्स टू एडिट, मतलब कि जो पोजीशन 1 है वो हम उस पर कौन सा सैंपल रखना चाहते हैं। तो हमारे पास ये L1 करके कंट्रोल है, देन ये L2 कंट्रोल 2 है ठीक है। और हम इसको इस पोजीशन में फिट करेंगे। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, ये हमारी होती है ESR वायल ठीक है। ESR वायल में हम, ये हमारा ब्लड होता है, ब्लड को हम इसमें फिल करते हैं और कितना फिल करते हैं, मार्किंग होती है ठीक। मार्किंग तक हम ब्लड फिल करते हैं, फिल कर दिया उसमें पहले से केमिकल होता है ये कर ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, इसमें पहले हमें डिस्क दबाना है आ रहा है इनपुट बार कोड। तो हम इसका जो बार कोड है, जो सैंपल हम 1 पोजीशन पे रखने वाले हैं, उसको हम बार कोड डालेंगे ठीक है। तो बार कोड इसका L1 है तो हम इसको 001 कर देंगे ठीक है। देन हमने ओके प्रेस किया, ये पोजीशन 1 है, हमने 1 पोजीशन पे रख दिया ठीक है। नाउ दिस इज L2 कंट्रोल 2 ठीक है, इसको लिखेंगे 002 ओके ठीक है। और हम सेकंड पोजीशन पे इसको रख देते हैं। ये हमारा सैंपल नंबर है 505, तो हम इसे प्रेस डिस्क दबाएंगे पहले 505 ठीक है, ओके किया। और ये थर्ड पोजीशन पे है, हम थर्ड पोजीशन पे इसको रख देते हैं, अपने आप ये रीडिंग ले लेगा ठीक है। उसके बाद हमारा 504, तो डिस्क दबाएंगे 504 देन ओके करेंगे। अभी ये पोजीशन 4 पे हमें इसको रख देना है ठीक है। तो जब हमने मैनुअल लोडिंग कर दी है सारी ठीक है, ये टोटल 20 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 12 तक फिल कर दिया है। उसके बाद हम स्केप दबाते हैं, स्केप दबाने के बाद आ रहा है एंड लोडिंग, स्केप दबाएं, देन अगेन एंड लोडिंग ओके। ये मांग रहा है कि हम किस पोजीशन में कौन से सैंपल रख रखे हैं, उसका प्रिंट मांग रहा है, तो हम ओके कर देते हैं। तो हमने देखो प्रिंट कर दिया है, हमने फर्स्ट पोजीशन पे 001 रखा है, देन सेकंड पोजीशन में 002, ऐसे करके हमने 12 तक हमने 5वां सैंपल नंबर रखा है ठीक है। नाउ ये टाइम स्टार्ट हो गया है, इसमें देख सकते हैं आप वेस्टर्न ग्रीन 1 आवर, तो 25 मिनट लगेंगे हमारा इसका रिजल्ट आने में।